सरेनो तश्कील एक्ट की दफा त्रै ए हुक्म 2020 के तहत एक हुक्मनामा जारी कर गए कि है कि हर वो शख्स जो पिछला 15 बरह तू जम्मू कश्मीर में रह रही है या फिर 7 साल एक तालीम हासिल की है और 10वीं ते 12वीं जमात का इम्तिहान जम्मू कश्मीर में दिता है वो जम्मू कश्मीर को वसनीक तसव्वुर कियो जाएगो। यो कानून ऐसा लोगों का अगे बच्चों वास्ते भी काबिले अमल तसव्वुर कियो जाएगो। सरकार कोरोना वायरस और नकेल कसन वास्ते हुन इलाकाई सतह पर इस वबा का जोर ना काट करने की हिकमत अमली वर भी काम कर रही है और इस जिमन में कई इलाका क्लस्टर में तकसीम कियो जा रही है। वजारत सेहत का जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के मुताबिक मुल्क में वबा का मामला की गिनती 1200 होने नाल कुछ इलाकों की गिनती भी बढ़ गई है। उन्हें दसिया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 227 नवा मामला बांधे आया है। मुख्तलिफ रियासत और मरकजी इंतजाम वाला इलाका में 6 लाख तो ज्यादा लोगों वास्ते 21,000 रिलीफ कैंप कायम किया गया है। इन कैंपों में 3 लाख गरीब और बेसहारा लोगों का खान पीन और रहन को इंतजाम सरकार की तरफ कियो गयो है। सेहत और कुंभा फलाह बहबूद की वजारत ने 1238 मुतहरक मुस्बत कोविड-19 का मामला की तस्दीक की है और मुल्क में अजा तोड़ी 35 लोगों की मौत वाकया हो गई है जबकि 103 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। सरकार ने दावा किया है कि इस वबा ने रोकन काट करन और काबू करने वास्ते आला सतह पर रियासतों का तावन नाल कई अहम इकदाम किया गया है। सरकारी तर्जमान ने दस्यो है कि कम्युनिटी सतह पर इस वबा का मुंतकिल होने को कोई सबूत बांध नहीं आए हुए। सरकार ने लोगों पर जोर पाया है कि वे सरकार की तरफ जारीशुदा हिदायत पर पूरी तरह अमल करें। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का 6 नवा मामला बांधे आने नाल होन इस वबा का मुस्बत मामला की गिनती 55 तोड़ी पुज गई है। इन 43 वादी कश्मीर का जबकि 12 जम्मू खिता का दस्या गया है। तमाम नवा मामला पुराना मामला का राबता में आया दस्या गया है जिनमें श्रीनगर को 1-10 साल बच्चों भी शामिल है। सरकारी तर्जमान रोहित कांसल ने दस्यो है कि कम से कम 15,000 लोगों इंतहाई ताड़ में रखी हुई है और इंतजामिया दीगर लोगों भी बड़ी सरगर्मी नाल तलाश कर रही है और लोगों ने कहा गया है कि वे इस सिलसिले में इंतजामिया नाल अपनी मदद करें। इस दौरान सरकार की तरफ उन लोगों ने छोड़न को सिलसिला भी शुरू कियो गयो है जिनका नतीजा मनफी में आया है। लेह तू आया 78 लोगों 14 दिन का क्वारंटाइन तो बाद आजाद कर दिया गया है जिन्ना कई होटलों और दीगर जगह पर ठहराया गया थो। आज 220 मजीद लोगों ने छोड़े जा रही है। इस वक्त कम से कम 2000 लोग जिनको सफरी मामलों है उन्हें इंतजामिया की तरफ क्वारंटाइन में रखा गया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर जरूरी अशिया बरदार गड्डिया की आवाजाई न पूरा खिता में इजाजत दी गई है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन न बड़ी सख्ती नाल अमला जा रही है। सिर्फ जरूरी अशिया की सप्लाई ना ही लोगों थोड़ी पहचान की इजाजत है। अजा थोड़ी पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की पदाश में 300 रिपोर्ट दर्ज की है और करीबन 1000 गड्डी ते दुकान भी मोहर बंद की है। गुजश्ता रोज एक मामला में पुलिस ने 33 मजदूरों ने गिरफ्तार किया जिड़ा के जिला डोडा दर्जा रहा था। इन मजदूरों ने चेकअप वास्ते हस्पताल ले जाए गयो। मजदूरों का 2 ग्रुप हिमाचल प्रदेश तू भद्रवाह में दाखिल होता पकड़े गए हैं। एक होर वाकये में 4 लोगों ने उस वक्त गिरफ्तार कियो गयो जब वे अपना एक साथी ना मुर्दा करार दे गए स्वर्ण कोर्ट पूंछ ले जा रहा था। इससे दौरान खबर है कि कुछ लोग अपना दरुई समाजी जराया ब्लाग पर लोगों ने इस वबा को इलाज दस रहे हैं। लोगों ने सरकार की तरफ अपील की गई है कि ऐसा टोटना और अमल ना करे क्यों जे ये खतरनाक भी साबित हो सके, लिहाजा सरकार की तरफ जारीशुदा हदायत पर ही अमल कियो जे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वाजा किया है कि वैष्णो देवी मंत्र में कुछ श्रद्धालुओं का मौजूदगी की खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। बोर्ड ने वाजा किया है कि इस वक्त वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कोई भी श्रद्धालु मौजूद नहीं है। बोर्ड का सीईओ जनाब रमेश कुमार जिगत के मुताबिक 18 मार्च ना यात्रा मुअत्तल की गई थी जिस वक्त पूरा मुल्क में लॉकडाउन को ऐलान किया गया था और उसके बाद कोई भी यात्री इत मौजूद नहीं है। बच्चों वास्ते इमदादी लाइन 1098 24 घंटा जारी है। सीनियर प्रोग्राम प्राप्ताकार जम्मू कश्मीर ने दस्यो है कि चाइल्ड हेल्पलाइन की 14 इकाई स्टाफ लगातार अपनों काम कर रहे हैं।
ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਬਾਂਧੇ ਆਯੋਜੇ। ਅਦਵਿਆਤ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਮਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲਾ ਸਤਹ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਸਾਜ਼ੀ ਕਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ NPPA ਮਾ ਕਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਇਮ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੀਗਰ ਖਿਦਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਸੀ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਔਰ ਦੀਗਰ ਖਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋ ਰਾਬਤੋ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਦਵਿਆਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੋ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਅਦਵਿਆਤ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਖਿਰ ਮਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜੇ ਔਰ ਆਪਸੀ ਤਾਵਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਔਰ ਅਦਵਿਆਤ ਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚੋ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮਾ ਅਦਵਿਆਤ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸ਼ਿਆ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਨਾਲ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋ। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें, हाथों को लगातार साबुन से धोएं, अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अधिक जानकारी के लिए इस लैंडलाइन नंबर 0191-254-9676 पर संपर्क करें। जारी करता हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अधिक जानकारी के लिए इस लैंडलाइन नंबर 0191-254-9676 पर संपर्क करें। जारी करता नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर।